आज का ये जो अपना बैठक था, वो बैठक खास करके हमारा डायनामिक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू जी ने ये आदेश दिया कि अपना कैपिटल सिटी ईटानगर जो है, प्रदेश का चेहरा है, हम लोग सबसे पहले अपना प्रदेश का कैपिटल को हर कोनर से, हर हाल से और हर डिपार्टमेंट से अपना कैपिटल को, जैसे आपने सवाल किया, हमको संवारना है, सजना है। और यहाँ का ऑफिसर्स, यहाँ का पब्लिक, यहाँ का लीडर जो है, फुल ऑन ईटानगर को बसाने में, इसको कार्यक्रम को सही दिशा और दशा में करने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए करके, इस वैसे विषय में हम लोग का ये मीटिंग आज पर्टिकुलरली हमारा मीटिंग का कंपोजिशन था। चीफ इंजीनियर यूडी जो हमारा कंसर्न डिपार्टमेंट है, डे टू डे एक्टिविटीज में जो इन्वॉल्व होता है, चीफ इंजीनियर पावर, चीफ इंजीनियर PHE, चीफ इंजीनियर PWD, उसके बाद DIG कैपिटल रेंज। आप सबको पता है मीडिया बंधु, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले जो एक SP हुआ करता था, अभी हमारा 3 SP के साथ एक कैपिटल डिवीजन बोल के, अपना DIG का अंतर्गत एक तो पुलिस का भी एक डिफरेंट सिस्टम का तैयारी किया है, कैपिटल का लॉ एंड ऑर्डर को सजने संवारने के लिए। तो SPs हमारा सब आया था, और खास करके हमारा DC कैपिटल जो अपना हमेशा कार्यरत होता है कैपिटल को काम करने में और पब्लिक को जन सेवा करने में। तो सबसे आज का मुख्य बात था, हम लोगों को ईटानगर में या 3-4 लाख जो आबादी जो बसता है, इन लोगों को हाल ही का दिन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, जब मानसून आता है तो अपना पानी का इश्यूज ज्यादा होता है, डिवेस्टेशन होता है। दूसरा, जब गर्म दिन मानसून आता है तो गर्मी का इशू बहुत होता है, बिजली का ज्यादा इशू होता है, इसको हर आदमी वाकिफ है। तो CM साहब ने इसको चिंता करके हाल ही में भी बोला, इसमें हीट वेव भी बहुत आया, तो इसको हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है बोल के हम लोगों को प्रोग्राम बनाओ बोला है। तब हम लोगों ने अपना टिटोल के देखा है तो हम लोगों के पास ऐसा कुछ भी हथियार नहीं है जो हमारा शॉर्टफॉल को, हमारा कमी को, हमको हर कमी को सरकार जो पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा पास एग्जैक्टली आदमी कितना है, घर कितना है, इसमें बिजनेस वाला कितना है, नौकरी वाला कितना है, और आम जनता कितना है, और अपना कमर्शियल जो देखता है उसका कितना है, और जो बाहर से जो आता है मिलिट्रीज, पैरा मिलिट्रीज कितने है, इसका संज्ञान नहीं है। इसलिए हम लोग जो है बिजली का लागत को, पानी का लागत के, एक्चुअली में हम लोग का रिक्वायरमेंट क्या है उसको मीटअप करने के लिए आज का ये प्रोग्राम जो है हम लोगों ने ये कोशिश किया। ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने, ये मेरा लंबा एक तो सपना, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, आप लोगों को मीडिया बंधु को क्लियर बता दे रहा है, पब्लिक को, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हम इसको कब कर सकेगा सोच के लास्ट ईयर से, 2023 से मैंने शुरू किया, आज इसको हम फिनिशिंग स्टेज में ले पाया। वो ये है कि हम लोग पूरा ईटानगर रीजन का वार्ड नंबर 1 से लेके वार्ड नंबर 20 तक, दो कॉन्स्टिट्यूंसी का, 13 और 14 का जो हमारा दायरे में आता है, मेरा जुरिस्डिक्शन में जो आता है, उसका हम लोगों ने हाउस होल्ड सर्वे किया। हाउस होल्ड सर्वे में, थोड़ा पहले आप लोगों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी बता दिया, हाउस होल्ड सर्वे में ऐसे होता है कि 1,04,992 का नंबर्स है ये कैपिटल 20 वार्ड्स में, ये टोटल हो गया। उसमें रेसिडेंशियल जो है 39,023 जो है रेसिडेंट घर है 20 वाट में पूरा, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है 29,992, ये सारा सिस्टम में बाद में देंगे लेकिन आज आपको बता रहा है। गवर्नमेंट क्वार्टर्स है 22,179, कमर्शियल कम रेसिडेंशियल। हमारा अरुणाचल में ईटानगर में खास करके उसी घर में भी सामने में दुकान होता है, फिर कमर्शियल का भी अपना बनाता है, फिर खुद भी रहता है रेसिडेंशियल जैसे, ऐसा गरीब है, ऐसा बहुत घर लोग भी है, वो है 11,404 है। और अदर्स, अदर्स चीज को एक बार आप लोग क्लियर ले लीजिए मीडिया बंधु, क्योंकि अदर्स बोलने से बहुत मिसकंसेप्शन होता है। इसमें हम लोग ने 2,324 सिर्फ हमने
मेंशन किया, उसमें ठप्पा लगेगा म्यूनिसिपल का, घर का नंबर, वार्ड का नंबर, घर मालिक का नंबर, उसमें कच्चा हाउस है और टेम्पोररी हाउस है, लेकिन इतना हालत खराब वाला डिलापिडेटेड जो घर है दैट वी हैव नॉट टेकन, वो हम लोगों ने नहीं लिया। तो अभी आप लोग मीडिया बंधु और पब्लिक लोग बोलता है जो हमने आंकड़ा इधर गिन के दिया, ये जो हमने बनाया इसका फायदा क्या है? इसका फायदा नंबर वन ये है कि अभी से पीएचई वाला जो है कैपिटल में किस वार्ड में कैसे घर है, कितना पानी चाहिए, पीएचई वाला अभी यहां से वर्कआउट करेंगे जो पहले नहीं था। पावर डिपार्टमेंट जो है कितना शॉर्ट फॉल्स है और हम कितना मेगावाट देने से अवेलेबल पावर होगा, जो बीच में हाल ही में हमारा कोई ओपोजिशन पार्टी ने, कोई हमारा नेशनल चैनल ने बोला है कि वो अरुणाचल जो पावर हाउस से बोला कैपिटल को कैटर करने पा रहा है, हमारा गवर्नमेंट रेडी है करने के लिए, लेकिन वो चीज को क्लियरिटी नहीं था। अभी पावर डिपार्टमेंट जो है यहाँ से वर्कआउट करेंगे रेसिडेंट में कितना बिजली चाहिए, कमर्शियल में कितना चाहिए, कहाँ एसी चाहिए, कितना क्या चाहिए, पावर डिपार्टमेंट अपना निकालेंगे, यूडी अपना निकालेगा। और आज का तारीख में मीडिया बंधु ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर पब्लिक को दिखाइए। आजकल हर चीज ऑनलाइन में ज्यादा होता है, खास करके ऑनलाइन में इजी डिलीवरी के लिए एड्रेस जो है पक्का होना पड़ता है। जैसे वार्ड नंबर वन में कोई मिस्टर एक्स वाई जेड ऑर्डर किया, उसका गली का नंबर क्या है, उसका लैंडमार्क क्या है, हमेशा आप अभी जब कोई चीज ऑर्डर करता है ऑनलाइन देखिए लैंडमार्क को पूछता है, हम लोग का यहाँ में सारा डिटेल में लैंडमार्क दिया हुआ होता है, लैंडमार्क का बाद कॉलोनी का नाम देता है, कॉलोनी का नाम का बाद घर का नाम देता है, वो रेसिडेंट है या घर का मालिक का नाम देता है, जो बारह में रहेगा रेंटल में रहेगा वो भी देता है। एक तो तू पोस्टल एड्रेस के लिए ईटानगर आदमी के लिए बहुत ही फायदेमंद है पोस्टल वाला के लिए, दूसरा पुलिस पर्सनल के लिए, ये पक्का हम आपका मीडिया में बता देना जरूरी समझता है, क्राइम रेट को कंट्रोल करने के लिए, अभी जो ड्रग्स मैनेज को कंट्रोल करने के लिए, अभी एसपी साहब लोग का साथ हम लोग था लोकेशन में कम टाइम में सही जगह में हिट करने के लिए, तो लोकेशन को ओके करने के लिए ये एड्रेस जो है सटीक होना चाहिए, वो एकदम कंफर्म होने से आपका ऑपरेशन जो है सपोर्ट जो है इमीडिएटली मिलेगा। कई बार ऐसे हो जाता है कि मोबाइल नहीं है, उसको ट्रैकिंग नहीं कर पा रहा है, मोबाइल से ट्रैक आउट नहीं पा रहा है, मतलब आजकल देखिए हम लोगों का कलकत्ता का इंसिडेंट देख लीजिए, अभी जगह जगह का इंसिडेंट, कहीं में हमारा माने जिसको गवर्नमेंट अभी प्रायोरिटी दे रहा है वोमेन जाति को, वोमेन को हम रिस्पेक्ट ज्यादा दे रहा है, वैल्यू ज्यादा दे रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली कभी कभी इंसिडेंट, जैसे मैं कलकत्ता का बार बार जिक्र कर रहा हूँ, ऐसा कुछ इश्यूज होगा तो लॉ एंड ऑर्डर आपको सपोर्ट करने के लिए, लोकेशन में टाइमली हिट करने के लिए, ये जो हम लोगों ने वर्कआउट किया एरिया वाइज जो सर्वे किया और जो वार्ड वाइज हम लोग ने जो वर्कआउट किया, इसको हम लोग हर डिपार्टमेंट को, ये म्यूनिसिपल का बदौलत हम लोग कंसल्टेंसी वाला को, हमारा इंजीनियर को, हमारा कॉरपोरेटर को, हमारा वार्ड मेंबर को, सब मिलके ये बनाया हुआ है। ये कंप्लीट है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अभी कहीं से शुरू तो करना चाहिए था, हम लोग ने शुरू किया। इसमें अगर कोई चीज रह गया, इनपुट किसी को चाहिए, हम लोग पब्लिक से भी वेलकम है, आप लोग मीडिया वाला से भी वेलकम है, हर जनों से, सरकार से भी वेलकम है, पुलिस से, हर किसी से वेलकम है, इसमें हम इनपुट देके एड ऑन करके चलिए हम लोग ईटानगर को संवारने और सुधारने में, हर चीज में, कहाँ में ड्रेन चाहिए, हाईवे वाला को कहाँ में इशू हो रहा है, वाटर पोरिंग कहाँ में होता है, समर को बिजली का क्या इशू है, पानी का क्या इशू है, लॉ एंड ऑर्डर इशू, अभी अभी मैंने एड्रेस का बात बताया, कुल मिला के गार्बेज इशू, सीधा सीधी बात है, हम लोग गार्बेज को अपना ढंग से, हम तो हम आज मेयर है, कल कोई और मेयर होगा, ये पॉलिटिकल में ये टेम्पररी 5 साल का है, कल कोई आएगा तो वो काम करने में बहुत इजी होगा, क्योंकि उसको पता चलेगा कि हमारा वार्ड में कितना घर है, कितना दुकान है जहां से हम कितना रुपया कलेक्ट करना है, कहां में अपना प्राइवेट है जहां से हम लोग गार्बेज फी लेना है, कहां से हम लोग लाइसेंस का फी कलेक्ट करना है, कुल मिला के ये सब चीजों के लिए मीडिया बंधु आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा है, हम बारी बारी से बोल रहे हैं, हमारा ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हमारा चीफ मिनिस्टर, हमारा ऑनरेबल गवर्नर और मेरा जो डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है मालो राजा सर, सबको मैंने हम ये कोशिश कर दे रहा है, ये खाली म्यूनिसिपल का सब्जेक्ट नहीं है, ये सारा ईटानगर का सब्जेक्ट है, ये ऑल डिपार्टमेंटल कनेक्टेड सब्जेक्ट है,
ये डाटा लेके, ये हिसाब को लेके हर डिपार्टमेंट जो है अपना अपना काम को, जैसे नाहरलगन में पानी का इश्यू है और इधर पानी का सोर्सेस खत्म हो रहा है, जंगल कटिंग हो रहा है, डेली मीडिया वाला अच्छा खबर देता है, तो उसके लिए वो जितना लागत चाहिए, जो कमियां को आप उसको सुधारने के लिए, तो आपको ये डाटा जब तक नहीं होगा आप कीप ऑन वर्किंग। सरकार जितना भी तकलीफ कर रहा है लेकिन उसमें प्रॉब्लम ग्राउंड में खत्म नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास डाटा नहीं था। इसलिए ये डाटा हम लोग ईटानगर म्यूनिसिपल, मेरा नेतृत्व में, मेरा कॉरपोरेट का दोस्त, हमारा ऑफिसर ऑफिशियल्स का सपोर्ट से ये बनाया। ये बहुत ही बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपका मीडिया बंधु, आप लोग जो इधर आया आज गिना चुना, जो 10-12 तो जो चैनल आया, आप इसको अच्छा से सरकार को भी, प्रिंट में भी जाइए, आप जो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सही जाके, ये आगे जाके कोई भी डिपार्टमेंट इसको चाहेगा, हमारे पास हार्ड कॉपी में 14 पेज होता है, ये भी क्लियर बता दें, लेकिन सॉफ्ट कॉपी हम लोग देने के लिए तैयार है, क्योंकि ये पब्लिक सर्विस के लिए। मीडिया वाला भी मांगने से हम लोग देगा, क्योंकि इसमें हर चीज जो आपको नॉलेज मिलेगा, कौन कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, कैसे है, कैपिटल कहाँ है, कौन किधर बैठता है, आराम से यू कैन वर्क इट आउट। इसलिए मेरा मेन बोलने का आज का मीटिंग ये था। मैम आपने जैसे सवाल किया, ये बहुत ही आज एक इम्पोर्टेंट चीज हम लोग इस स्टेट का कैपिटल के लिए, ईटानगर का चेहरा के लिए किया। ये आवाज सीएम सर तक, डीसीएम सर तक पक्का पहुंचना है, और वो लोग आगे जो फैसिलिटी देने के लिए, अभी बिजली का कमी नहीं होना चाहिए, हम डायरेक्ट रिक्वेस्ट कर देगा, अभी आगे पानी का कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग मोटा मोटी राफ में इतना घर है, इतना आदमी है, हम लोग बता दे रहे हैं। यस प्लीज। ठीक है ठीक है। जी जी हालांकि बिल्कुल पार्किंग रोड बना हुआ है, लेकिन तो इतना यूज नहीं आ रहा है, ऐसा देखने को लग रहा है, अभी भी ट्रैफिक का इशू बहुत ही ज्यादा है। बिल्कुल, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए मैम, आपने जो सवाल किया, ईटानगर का सबसे एक बर्निंग इशूओं में से एक इशू है पार्किंग एंड रोड कंजेशन, जो कुछ भी चीज जो टाइमली नहीं होता है, क्योंकि वो ट्रैफिक इशू का कारण। ट्रैफिक इशू जो है, इसका मेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो पार्किंग है। पार्किंग नहीं होने का कारण ट्रैफिक इशू आ रहा है, तो दिस इज वेरी क्रिस्टल क्लियर। हम लोगों का मानना यह है कि, आपको थोड़ा पहले बताया मैंने, 2014 से लेके 2018 को डिफंग हो गया म्यूनिसिपल काउंसिल, 2021 से लेके हम लोग अभी 2024 में चल रहे, 3 साल से ज्यादा। इसमें हम लोग पार्किंग के लिए, आज भी हम ऑन द रिकॉर्ड बता रहे हैं, हम लोग पार्किंग का प्रोविजन, म्यूनिसिपल का पास फंड नहीं होता है। इसमें जो सेंट्रल ग्रानिन एड आता है, जो स्टेट से आता है, वो स्मार्ट सिटी का, स्मार्ट सिटी वाला पार्किंग बना के दे रहा है। मैम आप देखा, हाल ही में उद्घाटन हुआ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से, स्मार्ट सिटी वाला जब पार्किंग का जब प्रोग्राम बनाता है, तो स्मार्ट सिटी बनाता है, उसके बाद हम लोगों को हैंडिंग ओवर करना है, अभी तक एक भी किया नहीं, वेरी क्लियर। सेकेंड जो है यूडी डिपार्टमेंट, अभी आप लोग मालूम है, हाल ही में आप लोग भी पूरा लोकल इसलिए मालूम है, हायर सेकेंडरी के सामने बनाया और इधर एक दो जगह बनाया बोलता है, ऑफिशियली हैंडिंग ओवर हम लोगों को नहीं किया। जब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ऑफिशियली हैंडिंग ओवर नहीं कर सकता है, तो ऑपरेशनल काम हम लोगों का है, हम लोग नहीं कर रहे। एक पार्किंग लॉट है हम लोगों के पास, तिची तकर पार्किंग लॉट, जो हम लोग अपना मिनिस्टर को, जब कामलोंग मोसंग जी था, मैंने खुद उसको उद्घाटन कराया। अभी भी जाके देखिए, वो जो है लोकेटेड इन बैंक टिनियाली, बैंक टिनियाली में लोकेशन को, वो भी हम लोग, अब बहुत अच्छा किया ये सवाल करके। आप लोग जैसे टॉयलेट वाला इशू है, पब्लिक टॉयलेट, और दूसरा ये पार्किंग लॉट है, म्यूनिसिपल मैन पावर कम होने के कारण, म्यूनिसिपल का आदमी कम होने का कारण, म्यूनिसिपल आदमी कम है, लेकिन हम लोग का पॉलिसी तो कम नहीं है। आप लोग जो हम लोगों को बोलता है वो बहुत सही बात है, पॉलिसी बनाने में तो कम नहीं होता। हमने ये पॉलिसी बनाया कि ये जब पार्किंग का है और अपना पब्लिक टॉयलेट का, हम लोग जो है आउटसोर्सिंग किया हुआ है पब्लिक टॉयलेट भी, हालांकि आप लोग पूछ नहीं रहे, पब्लिक टॉयलेट को आउटसोर्सिंग किया, लेकिन पहला जो बनाया पीएचसी वाला इन द नेम ऑफ आईएमसी, ये म्यूनिसिपल को पैसा आया वाला है, यूएलबी का पैसा है, बट पीएचसी ने बनाया,
कहीं में टंकी नहीं है, कहीं में वो पानी का सोर्स नहीं है, और कहीं में एक दो जगह है इसको हम लोग, एक तो अनएम्प्लॉयड यूथ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आउटसोर्सिंग कर दिया, तो वो लोगों से भी हम लोग चार्ज नहीं करते, हम लोग बोलते हैं ऑपरेशनल कराओ। खास करके दोबारा हम लेडीज का पास आते हैं, जेंट्स तो कहीं भी मैनेज कर जाता है, टॉयलेट के लिए भी मार्केट जाएगा, बाहर निकालेगा, कुछ कुछ बहुत दूसरा चैनल लोग बोलते हैं दिन भर बाथरूम के लिए घूमा, इतना लग इतना क्राइसिस भी नहीं है, फिर भी जरूरी है खास करके लेडीज के लिए, लेडीज का हम लोग प्रेफरेंस देते हैं, तो वो एक मैडम आउटसोर्सिंग है, इसको आप लोग संज्ञान में लीजिए। दूसरा आपका पार्किंग लॉट वाला को भी हम लोग आउटसोर्स किया, लेकिन एक कंप्लेन ये है पब्लिक को, आपका माध्यम से हम ये बोलेगा, हमारा तिची टक्कर वाला भी बहुत कम गाड़ी का पार्किंग है, अब 15-20 गाड़ी है एक फ्लोर में, एक फ्लोर में 10-12 गाड़ी है और कुछ बाइक का है, उसमें भी पब्लिक जो है पार्किंग नहीं करता है, आप लोग खुद जाके चेक करिए, हम जो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो जो आउटसोर्सिंग किया वो लोग कंप्लेन करता है, पब्लिक जो है 50 रुपया 30 रुपीज देने का तैयार नहीं है और रास्ते में ही पार्क करता है। इसलिए आगे मेरा गुजारिश ये रहेगा, हमें आह्वान अपील ये करना चाहूंगा कि पब्लिक को काइंडली जो है उसको तो पहले यूज करिए, तब सरकार जो इंस्पायर होके आप लोगों को जल्दी जल्दी और पार्किंग देंगे, हम लोग उसको ऑपरेशनल माने IMC उसको ऑपरेट करने जरूरी नहीं है, इतना अनएम्प्लॉयड पड़ा हुआ, हम पॉलिसी बना के बस अभी 30 रुपया हम लोग गाड़ी का पार्किंग ले रहे हैं, 50 रुपीज तक लास्ट भरा गाड़ी का ले रहे हैं, उसमें से 10-20 रुपया जो चल रहा है वो लेगा, 10-20 रुपया IMC का भी रेवेन्यू चलेगा, हमारा विजन एकदम क्लियर है मैडम, इसलिए आपने अच्छा सवाल किया। अभी जितना हम लोगों के पास है वही है, और जो आना है आपने जैसे बोला अभी UD वाला देंगे, स्मार्ट सिटी वाला देंगे, हम लोग उसी ये नेचर में PPP मोड करेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सर मेरा आपको सवाल रहेगा, जैसे कि जो इलेक्ट्रिसिटी का बात हुआ है, काफी कॉलोनी से आईटीआई में भी अधिक पैसा होता है, इन लोगों ने वायर कनेक्शन करते जी, उसका वजह से लोड शेडिंग होके गर्म दिन में AC चलता है, आगे ठंडा दिन आ रहा है अभी हीटर चलेगा, तो उसको लेके आप वो इलीगल जो कनेक्शन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक वायर का, उसको लेके आप किस तरह से उसको जांच पड़ताल करेंगे? मैम देखिए आपका ये बात तो सही है, लेकिन इसका समस्या का समाधान तो हम में नहीं है, कुछ कुछ ऐसा भी है जो सरकार नहीं कर सकता है, इसको हम लोग जागृति करना है। जैसे इस बार हम लोग स्वास्थ्य ही सेवा को आप लोग खुद देखा है क्या सक्सेस हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं, हम अपना तरफ से 20-22 दिन बिल्कुल लिटरली नहीं हुआ, हम कोशिश किया, मेरा कोशिश जो है हम दिखावा के लिए नहीं, हम सिर्फ अवेयरनेस देने के लिए, आपका सवाल का जवाब दे रहा है, हम सिर्फ वो जागृति देने के लिए कि जो गंदा एक बार इस बार हम लोग मोर और लेस बाय एंड लार्ज इस बार हम लोग बहुत अच्छा साफ किया मीडिया बंदूस, उसको लेकिन कंटिन्यूस करना है, सोशल सर्विस एक दिन सिर्फ नहीं होता। वो सेम बात जो है पानी और बिजली, पानी तो आपने जैसे किया कि टेपिंग होगा, कोई अंडरग्राउंड वाटर ले रहा है, कोई अपना कुआं बनाया, कोई अपना ड्रिलिंग किया, वो इतना इश्यू नहीं होता। बिजली का आपका बोलने का सही है, जो आदमी टैक्स दे रहा है, जो आदमी प्रॉपरली पे कर रहा है, वो किसी इलीगल का कारण वो फंस जाता है, दिस इज वेरी गुड एंड वैलिड क्वेश्चन, ये अच्छा बात है, मीडिया वाला भी आप लोग बहुत अच्छा सवाल करता है। जो सही में जो रेवेन्यू देने वाला लोग फंसता ये है कि क्योंकि गेजू वाला जो है टैपिंग करके ज्यादा बिजली को कट के फिर उसका बाद लोड शेडिंग होके ओवरलोडेड होके वो फ्लैश हो जाता है, जल जाता है, ट्रांसफार्मर उड़ता है, इसको मेरा सोल्यूशन ये है कि रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते डेट टू जो कैपिटल में बसता है, बस्ती का बात अलग है, ईटानगर में जो आम जनता भी बसता है, ये हुकिंग वाला टैपिंग वाला इलीगल ना करे, मेरा रिक्वेस्ट है। अगर कहीं कमी हो गया, थोड़ा पहले जैसे मैंने मीटिंग में छुआ था कि आबादी जो है अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है शहर की तरफ, आजकल ऑब्वियसली आदमी ज्यादा आ रहा है क्योंकि यहाँ बिजली का पानी का नेटवर्क का साधन यहाँ ज्यादा है, तो इस तरफ गतिविधि ज्यादा हो रहा है, तो उस गतिविधि को हम लोग अपना सरकार भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा, या फैसिलिटी थोड़ा बढ़ाना है, फैसिलिटी सरकार जरूर बढ़ाना चाहिए। पहले जो ट्रांसफार्मर जितना बिजली देता था आदमी भर जाने का कारण वो उसका जो पावर को बढ़ाना चाहिए, हमारा पावर डिपार्टमेंट को आपका माध्यम से ये रिक्वेस्ट है। ऊपर वाला तो अवेलेबल है बोला लाइन 32 KV 33 KV में, लेकिन जहाँ पावर सब स्टेशन आने का बाद चार्ज करके 11 KV से जो स्टेक होल्डर को कंज्यूमर को जो लेन करेगा
उसमें ट्रांसफॉर्मर और घर घर का ओके होना है। अभी हमने ये जो चीज दिया कॉलोनी वाइज वार्ड वाइज, इस चीज को पावर डिपार्टमेंट वाला लेके आपने जो सवाल किया और इलीगल जो टैपिंग करता है काइंडली आप लोग ना करें। आने वाला साल को पानी और पावर एकदम 100% सॉल्व होगा, ये मेरा मानना है इस कागज के जरिए से। थैंक यू।